ध्यान से सुनेंगे हम। देखो डी और एल फॉर्म का रोटेशन बता रहे हैं ना। देखो डी और एल फॉर्म कैसे पहचानेंगे। पहली पहचान तो ये है कि डी और एल फॉर्म को पहले हम फिशर रहेगा उसको हम प्रॉपर फिशर में चेंज करेंगे। क्या बच्चों? फिशर रहेगा उसको क्या करेंगे? प्रॉपर फिशर में चेंज करेंगे। जैसे अगर वो व्यवस्थित फिशर नहीं रहेगा स्ट्रक्चर तो हम उसको व्यवस्थित फिशर स्ट्रक्चर बनाएंगे। बात क्लियर? देखो जैसे है, हम कहें सी एच ओ सबसे टॉप पर होना चाहिए और जो कार्बन की चेन हो जाए वैसे होनी चाहिए। सब बात क्लियर? ठीक है। तो कार्बन चेन ऐसे है तो पहले इसको रोटेट करवाएंगे। क्या करवाएंगे? रोटेट। है देखो पहले रोटेट करवाएंगे। देखो इसको हम फिक्स मान लेंगे काहे कि टॉप पे रहना चाहिए है जी। अब इसको देखो 180 रोटेट कर। देखो ऐसे रोटेट करवाते हैं। देखो इसको यहाँ लाते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं। बात क्लियर? देखो इसको OH को यहाँ ले गए। अब बताओ भाई सी एच टू ओ एच नीचे आया या यहाँ चला गया? अब देखो सी एच टू ओ एच को नीचे रहना भी चाहिए। देखो नीचे आ गया 1 2 3। कार्बन की पूरी जो चेन होती है आशीष, जो कार्बन की पूरी चेन होती है वो सीधे हो गई। अब ओ एच इधर आ गया, एच इधर आ गया। और जब ओ एच कहाँ गया? लेफ्ट में। तो कौन फॉर्म? कौन फॉर्म? ये देखो यहाँ पर जो रोटेशन होगा सी ए डबल ओ एच यहाँ, सी यहाँ, सी एच थ्री यहाँ है। इस रोटेशन को हम लोग क्या कहेंगे? इस रोटेशन को हम लोग क्या कहेंगे? शिवा अभी आ रहे हैं आपसे मिल रहे हैं। इस रोटेशन को हम लोग क्या कहेंगे? इवन एंड ऑड रोटेशन। देखो ऑड रोटेशन अलाउड नहीं है, इवन रोटेशन अलाउड। मतलब दो रोटेट करवाएंगे, सी डबल ओ एच यहाँ ले जाएंगे, सी एच थ्री यहाँ लाएंगे। बात क्लियर? देखो इसको यहाँ लोग कर दिए, सी डबल ओ एच ऊपर, सी एच थ्री नीचे। क्यों सी डबल ओ एच ऊपर किए? क्योंकि कार्बन चेन हॉरिजॉन्टल होने चाहिए, ठीक, और टॉप लेवल का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऊपर होना चाहिए। बताओ सी डबल ओ एच टॉप लेवल है ना, ऊपर। अब बताओ ओ एच इधर है। बताओ जो ओ एच लेफ्ट साइड होता है उसे कौन फॉर्म होता है? और समझ जाना कि जो फिशर वाला रोटेशन है वो डेक्स्ट्रो और लिवो रोटेटरी वाला नहीं है, ये दूसरी बात होती है, ठीक है। फिशर वाले जो होते हैं उसको डेक्स्ट्रो और लिवो रोटेटरी हम लोग स्मॉल एल स्मॉल डी दिखाते हैं। ये जो डी और एल फॉर्म है फिशर वाले इसको हम बात क्लियर बोले।